नगर साकार हरि के मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नारायण साकार हरि ने अपनी वाणी के माध्यम से आने वाले अपने अनुयायियों को शिक्षा का पाठ पढ़ाया। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आगे उन्होंने बताया कि जीवन में अगले श्वास का कोई भरोसा नहीं है, आए अथवा नहीं, इसलिए मनुष्य को जीवन में सत्कर्म करने चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए किसी का अहित नहीं करना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए जो जीवन जीता है वह कभी भी परमात्मा का प्यारा नहीं हो सकता। इसलिए निस्वार्थ भाव से मानव को मानव की सेवा करनी चाहिए। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा दिखाई देते हैं। आइए सुनते हैं हरि जी की वाणी। नारायण सरकार की संपूर्ण मानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण मानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण मानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण मानवी सदा सदा के लिए जय जयकार। कोई सभी आप महापुरुषों की इस मानव मंगल में सद्भावना समागम में मौजूदगी है, उपस्थिति है। अगर चाहत है तो आपका दायित्व बनता है एक एक वाणी को मन लगाकर श्रवण करिए, ठीक से सुने, समय से बनते सुने ही रहना चाहिए। उसके ऊपर आना चिंतन करे, मंथन करे तो मुझे से निकलता है। सकारात्मक परिवर्तन आता है, सकारात्मक स्थिति निर्मित होती है। जब ये गति को चलेंगे करेंगे तो नकारात्मक स्थिति भया भय होती है। नकारात्मक स्थिति जीवन को खंडित कर देती है। नकारात्मक स्थिति देख रहे हैं, ये नकारात्मक स्थिति है। सब कुछ कर्मों से ही निर्मित होता है। ये श्रीमान जी भजन गा रहे थे, भजन का एक एक शब्द आकार था। भजन का एक एक शब्द हमारी औकात को बताता। एक शब्द रोमन बनी खड़ी कर रहा था। भजन का एक शब्द सकारात्मक नकारात्मक स्थिति को दर्शा रहा था। आप समझ सकते हैं दुनिया में कोई लोग नकारात्मक स्थिति को लेके चलते हैं, उन्हें कुमारगी कहते हैं, अपराधी कहते हैं, गुप्तचारी कहते हैं, लुटेरा कहते हैं, छल कपटी कहते हैं, झूठ झूठा बोलते हैं। सब स्थिति परिस्थितियां नकारात्मक की है। तभी तो समझना चाहिए ये संसार बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। जैसे सुना होगा, देखा भी होगा, नाटक होते ही
नोटबंदी होती है, तमाम प्रकार के आयोजन होते हैं, वहां मंच बनाया जाता है, कोई राजा बनता है, कोई रानी बनता है, कोई खलनायक बनता है, जिस प्रकार का नाटक है उसी प्रकार से उसी नाम से कलाकार खड़े होते हैं, अपना अपना रोल अदा करते हैं। यहां समझे इस संसार बहुत बड़ा नाटक मंच है, इस संसार के नाटक मंच में हर किसी का अपना अपना कर्मों के आधार पर रोल है और कर्मों के आधार पर संसार नाटक मंच में हिस्सेदार है। कर्मों के अनुसार अपना अपना रोल अदा करते हैं। जो हम आप देखते हैं वृक्ष संसार के नाटक मंच में वृक्षों की भी साझेदारी है, नाटक मंच संसार है, फसलों की भी हिस्सेदारी है, कुत्ता कुटिया गधा घोड़ा गाय भैंस कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू छिपकली सभी की हिस्सेदारी है। ये सब कुछ कर्मों का खेल दिखाई देता है। पूरा संसार इसी संसार के मंच पर कोई खेती के द्वारा, व्यापार के द्वारा, नौकरी के द्वारा, अपराध जगत के द्वारा, मजदूरी के द्वारा, अधिकारी कर्मचारी के द्वारा, मंत्री संतरी के नाम से, कर्मों के आधार से हर कोई अपना अपना रोल अदा करता है। लेकिन आप भली भांति जानते हैं पुरस्कार इनाम उसी को मिलता है जो संसार रूपी मंच पर, नाटक मंच पर सकारात्मक रोल अदा करता है और वो रोल सभी को भा जाता है, उसे इनाम से नवाजा जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। ये बड़ी बात जानते हैं, अगर हमारा रोल नकारात्मक है तो श्रीमान जी आपने सुना होगा उसी मंच पर लोग टमाटर फेंक फेंक के मारते हैं, अंडे फेंक फेंक कर मारते हैं, क्योंकि रोल हमारा इंसानियत का नहीं, हमारा रोल मानवता वाला नहीं, हमारा रोल भाईचारे वाला नहीं, हमारा रोल सत्य धर्म वाला नहीं। ये सब कुछ जब से जगत की रचना हुई है तब से चलता आ रहा है, चल भी रहा है। आज के खंडदान को देखे तो स्थिति मानवता से विपरीत दिखाई देती है, इंसानियत से विपरीत दिखाई देती है। ये शुभ संकेत नहीं हो सकते। नारायण शंकर हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है, उनमें भी आने वाले महापुरुषों को अवगत कराया गया है, सूचित किया गया है, संदेश दिया गया है, कर्म करने को दुनिया स्वतंत्र है, भोगने के लिए परतंत्र है। उनमें भी जानकारी दी गई है,
हमें भी यहाँ इस मन कराया जाता है। आप शंकर जी की पूजा करें, राम श्री कृष्ण की पूजा करें, ब्रह्मा विष्णु की पूजा करें, देवी दुर्गा की पूजा करें। ये आपका जीवन है, स्वतंत्र है। आप किससे गले लगाते हैं, आप किससे प्रेम करते हैं, ये आपका जीवन है। लेकिन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आपको आने का मौका मिलता है, तो आप लोगों को पुरुषार्थ की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। परमात्मा के संबंध के विषय में जानकारी दी जाती है। सद्ज्ञान दिया जाता है, सत्कर्म के लिए प्रेरित किया जाता है, जिससे ये जो नवनारी का चोला मिला है ये सार्थक हो जाए। कर्मों के कारण विभाजन होता है। कर्मों को भी कई भागों में विभाजित करते हैं। कर्म है, कर्म है, विकर्म है, सकर्म है। लेकिन इस मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में बिना शर्त प्रेम की तरफ आगाज किया जाता है। अगर प्रेम में शर्त है, स्वार्थी प्रेम है, तो वासना बन जाता है। निस्वार्थ प्रेम है तो वासना नहीं बनता है। क्योंकि संसार में हम आप जो देख रहे हैं उस स्वार्थ का ही तो नतीजा है। पत्नी और पति से क्या स्वार्थ है जानते हैं सभी? पति का पत्नी से क्या स्वार्थ है? अगर स्वार्थ पूरा न हुआ तो झमेला होता है, मारकाट भी हो जाती है, भाई बहनों से भी वही स्वार्थ की स्थिति है। जमाने में देखें तो स्वार्थ, लेकिन कोई संत है, महंत है, ईश्वर है, मुनिवर है, कोई देवी स्वरूपा है, देवता स्वरूपा है, उसके समर्थ स्वार्थ दूरगामी हो जाते हैं। समझ में स्वार्थ स्वार्थ जमीन दोज हो जाता है। उसका जीवन स्वार्थों से कट हो जाता है। जो करता है, जो बोलता है, जो कहता है, केवल केवल निस्वार्थ की स्थिति होती है। यही निस्वार्थ की स्थिति भजन बन जाता है, त्याग बन जाता है, तपस्या बन जाता है, यज्ञ बन जाता है, महायज्ञ बन जाता है, आत्मिक संतोष मिल जाता है। जिसे कहा गया है, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन धान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संत निश्वर मनवर इसी गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद यही गति मति से चलते हैं तो वैराग्य मिलता है, वृत्ति प्राप्त होती है, भक्ति परमात्मा की जागृत होती है। परमात्मा नारायण साकार हरि की भक्ति में शक्ति है। भक्ति की शक्ति से ही हम परमात्मा को पहचान पाते हैं। भक्ति से ही हमें दीदार होता है, दर्शन होता है,
और अहो भाग भी बनता है और जन्म लेने मरने से फर्क जाते हैं। जीवन ही इसीलिए मिला है, जीवन को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। अगर अनंत जीवन को बर्बाद करेंगे तो आप समझ सकते हैं अपराध जगत में होंगे तो क्या दशा होगी। आप समझ सकते हैं व्यभिचार जगत में होंगे तो क्या क्या दुर्गति होगी। भारतीय संविधान से परे भारतीय संविधान को तोड़ेंगे तो अपराधी बन जाएंगे। अपराध की सजा भोगनी ही पड़ती है। दूसरे मायने में आने वाले महापुरुषों को उनमें ही दर्शाया गया है, जानकारी दी गई है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप परमात्मा के मूल में ईश्वर अंश है, लेकिन हमने भजन के शब्दों में आ रहा था, हमने जो संबंध बनाए हुए मिथ्या नश्वर से, इस शरीर तो नश्वर है, एक दिन नष्ट होगा, ये शरीर सदा रहने वाला नहीं। कर्म के आधार पर शरीर बदलते रहते हैं, ऐसा गीता में भी हमने पढ़ा है। संत जन महात्मा जन महापुरुषों के माध्यम से भी जानकारी मिलती है। तो क्या करें, कर्म का जखीरा है, कर्म ने किसी को नहीं छोड़ा है। अगर देखें तनिक समझे वेदों की भाषा, मूल विशिष्य पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी कर्म रिताले कर्म का खेला, कर्म रिताले नाय चली सीता हरण मरण दशरथ का, दम में विपत्त पड़ी कर्म रिताले जिन्हें कलाओं के तहत वेद शास्त्र पुराण रामचरित मानस वाल्मीकि रामायण अवतार घोषित किया है। तो आप समझ सकते हैं उनके पिता श्री राजा दशरथ ने राज्याभिषेक राजा बनने का बनने के लिए रामचंद्र जी को अनाउंस कर दिया। उन्हें अयोध्या में जानकारी हो गई, लेकिन दूसरे दिन राजा बनना था, लेकिन 14 वर्ष वनवास के लिए प्रस्थान करना पड़ा। आप क्या करेंगे, वेदों में स्पष्ट जाहिर किया गया है, जानकारी दी गई, लेकिन राजा के बेटे थे, उनको वनवास जाने की क्या जरूरत है। अगर वनवास जाते तो सेना ले जाते, सारी सुविधाएं ले जाते दूसरी जाके राज्य जैसा बना लेते, अयोध्या में कोई कमी तो नहीं थी। लेकिन लेख कहता है संतों से मिलना, ऋषिवरों से मिलना, आताताइयों के साथ युद्ध करना, ऐसा पावन पवित्र रामायण में जिक्र आता है, उल्लेख आता है। 14 वर्ष
आज देखे तो इतने जंगल नहीं, उस समय में उस जमाने में कितने घने जंगल होंगे, भया भय होंगे। दोनों भाइयों ने 14 वर्ष का वनवास काटा। लक्ष्मण जी को तो वनवास में ही मिला था, वो अपने देश के भ्राता रामचंद्र जी के सेवा में थे। ये सारे उन्होंने वैदिक काल का इतिहास बताता वर्तमान में देखे, वर्तमान को देखे, संस्कारों को देखे, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, आप लोग कितने परम सौभाग्यशाली हैं, समय काल को देखते हुए, खंड काल को देखते हुए आप लोगों को सबके का साथ मिला हुआ है। जीवन जीने के लिए मानवतावादी कला आपको दी जा चुकी है कि मैं मौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। आपको बता दिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, स्वयं को जान ले, स्वयं को पहचान ले। जब स्वयं को जान लोगे, स्वयं को पहचान लोगे कि हम नारी भी नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम तो परमात्मा के अंश है, तो आत्मनिर्मित स्थिति आपकी मजबूत हो। अभ्यास करोगे, अभ्यास ही नारायण साकार हरि परमात्मा की सत्यमर्दता श्रवण करते हैं। मानवता वाला कर्म का ज्ञान हुआ, मानवता वाला कर्म करते हैं, मानव मानव को गले लगाते हैं, मानव मानव से प्रेम करते हैं। मन में जो गिलानी है, हमारे मन में जो नकारात्मकता है, वो सब दफा होना शुरू हो जाती है। अभ्यास करते करते एक दिन आप खुद देखेंगे, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए आप अनुभव करेंगे, बापों में हम तो साधु हो गए, महात्मा हो गए, संत हो गए, ईश्वर मनवर हो गए। क्यों? ये सब कुछ कर्म से होता है, और कर्म को देखेंगे तो आपका कर्म भी संत महात्मा महापुरुष वाला होगा, वाणी भी वैसी होगी। जीवन में हंगामा नहीं होगा, जीवन में हु हल्ला नहीं होगा। हु हल्ला करने वाले कौन होते हैं, इस बाबा क्या कहना है सभी जानते हैं। जब नकारात्मकता अधिक भरी होती है, देख लो हाथ आरती चंदन क्या, पढ़े लिखे तो आरती क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। नारायण सरकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार हो। अपने हंगामा करोगे तो क्या करने पड़ेगा, किसने बुलाया था, हम कौन होते हैं बुलाने वाले, अरे परमात्मा, अरे हम कौन होते हैं बुलाने वाले, हम तो एक साधारण व्यक्ति है, अरे हम तो साधारण व्यक्ति है भाई। खड़े हो रही सकते
नारायण सरकार नारायण सरकार नारायण सरकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में नारायण सरकार की संपूर्ण सदा सदा के लिए जय जयकार। आप लोग भूल कर रहे हो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, हरिद्वार जाओ, बसरा वृंदावन जाओ, काशी विश्वनाथ जाओ, दर्शन करो, केदारनाथ बद्रीनाथ जाओ, भगवान जी के दर्शन करो। ये तो मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम है, यहाँ मानवता वाला कार्य किया जाता है, मानव मानव को गले लगाया जाता है। नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में पूरा हिंदुस्तान मंदिर में जाता है, मस्जिद गुरुद्वारे में जाता है, कुछ है कभी तो जाता है। बोला हुआ मैंने राजा श्री राम देखा था, लेकिन पहले तो बोला मैं जी हूँ, और बाद में कहता है कि प्रभु आप मुझे माफ करो, मुझे छोड़ो, दुनिया सब नीचे, अरे पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं। वो चली गई, वो रेली के दिखाई दिमाग खराब है, हंगामा कर दिया। जो इस थाने वहां पहुंचे शांत रखो। अरे भाई शांति से देना, शांति का दान करना चाहिए, शांति प्रदान भी तो करो उसको, काल को कभी शांति हुई है? कौन हो? काल को शांति यहाँ पे कौन हो आप? अब तुम साले झंडे समझ नहीं रहे हो।
है किसी के बाबा ही नाम का ब्रह्मांड का मालिक कोई सब अपने आप को राजा समझ रहे हैं। अगर ये आप नहीं होते मेरे जैसे इंसान यहाँ कभी आ नहीं सकता था। इनके दम से तो मुझको गतिर के लाया। मेरे जैसे शेर अगल बगल घूम रहे इनके अगल बगल, मेरे जैसे शेर इनके चरणों की मालिश कर रहे मालिक। आई बात समझ में? जय हो जय हो। और बताओ क्या बताना है? ये जो सत्य है ये गोपियों के बारे में कुछ बोलो बताओ। आई गोपियों के रूप में ऐसा है थोड़ा मर्यादित होके बोलना चाहिए। एक बार माइक किसने बंद कर दिया? मर्यादा से रहना नितांत आवश्यक होता है। आपके चरण चरण में मर्यादा ही तो जरूरी है और ये सब मर्यादा हो गया। ये करती है अरे देखती रहे तो ब्रह्मांड के मालिक के सामने अगर चरणों में झुकोगी तो जगह मिलेगी। ये कर रहे तो कुछ नहीं मिल जाएगा यहाँ पे। अरे ये तो देखो कि वो सामने बैठा कौन है। अपने आप को मरिया एक एक आदमी दो दो आदमी छोड़ के आई सारी और कैसी ये कर रही है आप बताओ। ब्रह्मांड के कुल मालिक बैठे एक आदमी छोड़ के कैसी मैंने त्याग कर दिया। अरे क्या बताऊं मर्यादा में अगर रखा ना आता तो छोड़ के रखा। सबकी हल्की लगने लगी। प्रभु रुक जाओ प्रभु रुक जाओ बताओ आप बताओ क्या बोलो। अर्जी लगने लगी स्वीकार मत करे तो खोल के रख दू अभी। आप खुद ही जानकार है बुद्धिमान है बुद्धि विवेक रखते हैं। आपने बुद्धि विवेक अगर छीनी नहीं होती ना तो ये ब्रह्मांड ये इसका सर फोड़ के रखा था मैंने। अरे मेरे सर पे कुछ जगह तो दो। मेरे सर से सब छीन के क्यों रखा है? अच्छा भविष्य में क्या होगा? अरे भविष्य अगर ये लोग नहीं सुधरी ना तो ये भविष्य इससे मरोगे मक्खियों की तरह इससे मरोगे सालों किसानों। जगह नहीं मिलेगी कहीं पे कहीं जगह नहीं मिलेगी। केदारनाथ सालों केदारनाथ जाते हैं अमरनाथ जाते हैं परमड जाते हैं। परमड वाला झंड बैठा होगा कहीं यहीं बैठा होगा परमड जाने वाले। अपनी अपनी मर्यादा क्या बोलते। अभी तक भगवान ने भक्तों को पहचाना था अब यहाँ पे भक्त आते देखे भगवान है कि नहीं। हराम जादो यहाँ ये भगवान को देखने आते कि भगवान है कि नहीं। ये तुम्हारी वजह से परेशान है ये सेवादार ये अपने आप को राजा समझ रहे हैं। यहाँ पे राजा समझ रहे हैं ये समझते कि जो मैं हूँ। ये सेवादार सुनते नहीं पानी नहीं सुनते। हम जब तक देखते हैं कुंड बनाए खड़े होंगे। अरे चुगली करता मिलता कि वो कहते मैं राजा बड़ी हूँ वो कहते मैं सेवादार बड़ा हूँ वो कहते मैं सेवादार बड़ा हूँ। है कोई यहाँ पे सेवादार कोई बड़ा नहीं है। अगर द्वापर में वादा नहीं किया होता तो इन्होंने तुमको सेवादार नहीं बनाया होता। सेवादार अपने आप को राजा समझ रहे हैं। अगर अपने आप को सेवादार समझा है तो कि सेवादार तो यहाँ यहाँ के रूप यहाँ के नियम यहाँ के कुछ हाँ तो ये कैसे बोलूँ मैं कि मेरे परमात्मा को पहचानने आते हैं साले। मेरे परमात्मा को मैं बोल नहीं पा रहा मेरे जवान को रह के रखा है। अगर मेरे जवान को मर्यादित नहीं किया होता तो मैं तू मेलो की एक एक फूल खोल के रख देता। आराम जादो एक एक फूल खोल के रख देता मैं तुम लोगों को एक एक फूल खोलता मैं एक एक फूल खोलता मैं। हे मेरे परमात्मा मेरे दीनानाथ मुझको ताकत दो मुझको कंट्रोल मत करे। आज मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा। मैंने अपने आप को दो बार रोका मुझको कंट्रोल नहीं हो रहा। ये ब्रह्मांड के कुल मालिक है मुझको बोलने की ताकत दो परमात्मा मुझसे मत छीनो। मैं मर्यादित होके बोलूंगा मत छीनो मुझसे। भविष्य में क्या होगा? भविष्य भी आपने कंट्रोल करके रखा है कि शायद ये लोग सुधर जाएं।
शायद ये लोग सुधर जाए, अगर ये लोग नहीं सुधरे तो मच्छर की भी जान अगर निकलती दिखाई देती होगी, इन सालों की जान निकलती नहीं दिखाई पड़ेगी। ऐसे केवल आपको चरण नहीं, केवल अगर आपने हाथ भी ऐसे कर दिया ना तो ये सब मर जाए, सब ब्रह्मानी आप सिर्फ जंगल भी नहीं दिखेगा। आप इससे ज्यादा सुधरेगा बोलने को कि जंगल भी नहीं दिखेगा, जंगल भी नहीं दिखेगा। केदारनाथ का केवल सीन दिखाया था, कोरोना ये जो आया था केवल सीन दिखाया था, केवल सीन। अगर माइक बंद कर दिया नारायण सरकार हरी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार हरी संपूर्ण ब्रह्मांड में आप क्या बात है भाई बताओ। मुझे नाम जिला गाँव बागलपुर। तो यार यहाँ सर्दी में क्यों आपको मुक्ति चाहिए? मुक्ति के लिए सत्य का साथ करो। मुझे अपना गुनाह का मुंह करना है। आपसे कहा सत्य का साथ करो। और कौन है की जरूरत नहीं। नारायण सरकार हरी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण सरकार हरी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।